अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर टू। लेसन नंबर टू इज़ वर्ड्स मैटर, अल्फाज असर रखते हैं। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक, स्टार्ट रीडिंग विद मी। बिलाल कंप्लीटेड हिज होमवर्क। बिलाल ने अपना घर का काम मुकम्मल किया एंड वेंट टू स्लीप और सो गया, प्रेइंग टू अल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हुए, टू सेव हिम फ्रॉम पनिशमेंट, कि वो उसे सजा से बचा ले। Tears spilled down his cheeks, आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे। He did not share his worries with anyone, उसने अपनी परेशानियाँ किसी को ना बताईं। His prayers were accepted, उसकी दुआएँ कबूल हो गईं। During his sleep, सोते हुए, Bilal had a dream, बिलाल ने एक ख्वाब देखा। He saw, उसने देखा, that his room was filled with beautiful light, कि उसका कमरा खूबसूरत रोशनी से भर गया। A honey fragrance was all around, एक मसूर कुन खुशबू हर तरफ फैल गई थी। Through the cluster of colors, रंगों के झुरमट में से, he saw his father, उसने अपने वालिद को देखा, voicing his promises, अपने वादों के बारे में बात करते हुए। He said, उसने कहा, I shall provide you, मैं आपको मुहैया करूँगा with food, खुराक, clothes, कपड़े and education, और तालीम। मैं आपको तालीम, कपड़े और ख़ुराक मुहैया करूँगा। आई शेल टेक यू टू द डॉक्टर वेन यू आर सिक, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा जब आप बीमार होंगे। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू बाई यू अ बाईसाइकिल, कि आपको एक बाईसाइकिल दिलाऊँगा। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन स्कूल, अगर आप स्कूल में अच्छे नंबर लोगे। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू वर्क हार्ड, कि मैं सख्त मेहनत करूँगा। टू गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर, आपको एक शानदार मुस्तकबिल देने के लिए। देन नेक्स्ट, फिर हिज मदर, उसकी वालदा अपीयर्ड, दिखाई दी एंड सेड, और कहा, ओ माई चाइल्ड, ओ मेरे बच्चे, आई शेल स्टिच द बटन ऑफ योर शर्ट, मैं आपकी कमीज का बटन लगा दूँगी। बिफोर यू गो टू स्कूल टुमारो, कल आपके स्कूल जाने से पहले। आई शेल गिव यू स्वीट नूडल्स टू ईट इन रिसेस, मैं आपको तफरी में खाने के लिए मीठी सिवैयाँ दूंगी। बिकॉज, क्योंकि, यू लॉन्ग फॉर देम, आप यही चाहते हो। आई शेल प्रिपेयर, मैं तैयार करूंगी, डिलीशियस लंच, मज़ेदार दोपहर का खाना। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से वापस आओगे। At the other corner of the room, कमरे के दूसरे कोने में, बिलाल saw his teacher standing, बिलाल ने अपनी उस्तानी को खड़े हुए देखा। As he looked, जैसे ही उसने देखा, at him, उसको closely, गौर से, she said, उसने कहा, I promise, मैं वादा करती हूँ, to make you learn, कि मैं आपको इल्म सिखाऊंगी। I promise, मैं वादा करती हूँ, to be patient with you at your mistakes, कि मैं आपकी गलतियों को सब्र से बर्दाश्त करूंगी। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ, टू गाइड यू, मैं आपकी रहनुमाई करूंगी, इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने का, सक्सीड इन लाइफ, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। एज सून एज हिज टीचर फिनिश्ड हर प्रोमिसेस, जैसे ही उसकी उस्तानी ने अपने वादों को मुकम्मल किया या ख़त्म किया, अ ब्राइट लाइट, एक चमकदार रोशनी, एंटर्ड थ्रू द डोर, दरवाजे से दाखिल हुई। बिलाल सा, बिलाल ने देखा, हिज स्कूल प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एंटरिंग द रूम, कमरे में दाखिल होते हुए। ही वॉज टेलिंग, वो बता रहे थे, अबाउट द प्रोमिसेस, उन वादों के बारे में, ही हैड मेड, जो उन्होंने किए थे, वो उन वादों के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने किए थे। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू प्रोवाइड यू विद क्वालिफाइड टीचर्स, के मैं आपको तालीम याफ्ता असातिज़ा मुहैया करूँगा। आई प्रोमिस टू गिव यू फ्रेश, हेल्दी एंड क्रिएटिव स्कूल एनवायरनमेंट, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ताज़ा, सेहतमंद और तख्लीकी स्कूल का माहौल दूँगा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू अवार्ड यू विद प्राइजेस ऑन मेरिट, कि मैं आपको आपकी कारकर्दगी की बिना पर इनामात दूंगा। यहाँ तक आपने अपने लेसन में से डिक्टेशन और ट्रांसलेशन को याद करना है। इसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं।
इसी चैप्टर के कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग सामने लिखे हुए हैं. कंप्लीटेड, मुकम्मल किया. प्रेइंग, दुआ कर रहा. वरीज, परेशानियाँ. ड्रीम, ख्वाब. अपीयर्ड, जाहिर हुआ. एक्सेप्टेड, कबूल हुआ. क्लस्टर, झुरमट. प्रॉमिसेस, वादे. ब्राइट, शानदार. रिसेस, तफरी. कुछ वर्ड्स के हमने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं यहाँ. प्रॉमिस, वादा करना. वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस, हमें अपने वादों को पूरा करना चाहिए. फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को. आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज़, मुझे गुलाब की खुशबू पसंद है. कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ. ड्रीम, ख्वाब को कहते हैं. आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक ख्वाब देखा. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम पढ़ेंगे हैज, हैव एंड हैड का यूज़. हैज़ और हैव रखता है के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, और हैड रखता था. ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं, हैज़, हैव और हैड, ये हम जब किसी की चीज़ की मलकियत के बारे में बात करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं. अगर रखता है होता है तो प्रेजेंट की बात करते हैं, रखता था पास की बात हो रही होती है. हैज, हैव या हैड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन्स आ जाएं, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं. तमाम सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे सिवाय आई और यू के. हैव को हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और दो सिंगुलर नाउन्स आई और यू के साथ भी हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं. मैं एक कलम रखता हूँ. रखता हूँ प्रेजेंट की बात हो रही है, हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं. आई हैव अ पेन, इसकी जगह पर बेटा मैं एक कलम रखता था भी आ सकता था, तो यहाँ पर हम हैड इस्तेमाल करते. ये रखता हूँ या पास का लफ्ज इस्तेमाल हो तो पास भी मलकियत को जाहिर करता है, यहाँ पर भी हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं. मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस है. अली के पास घड़ी नहीं है, अली हैज़ नॉट अ वॉच, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या तुम्हारे पास एक बंदूक है? इसमें हम हैज़ या हैव को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं. हैव यू अ गन, यू के साथ हमने हैव इस्तेमाल करना था तो हैव आएगा. क्या तुम्हारे पास एक बंदूक थी हो सकता था, तो फिर यहाँ पर हम हैव की जगह हैड इस्तेमाल करेंगे, हैड यू अ गन. इसी तरह से एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए आपने होमवर्क पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है. इनके पास मकान था, अली के पास कुर्सी नहीं थी. क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं? मेरे पास गुड़िया नहीं थी. क्या उनके पास पतंग है? ये आपने अपनी नोटबुक पर नीटली लिखना है और इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है. ये सारा जो आपको मैंने अभी बताया, आप इससे हेल्प ले सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.